आप पर कौन सा ऐसी केस लगाकर आपको जेल में डाला गया? हमारे ऊपर वही लगा, तोड़फोड़ लगा था, लूटपाट का लगा था। देखिए वो यही रोकना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जो नहीं हो पा रहा है वो भ्रष्टाचार हो, क्योंकि तनाशाही है, कोई मरे पढ़ाई हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता है। जिसके विरोध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया कि हमारे साथी तो चला गया है लेकिन उसको न्याय मिले, उसको कुछ मुआवजा मिले, लेकिन विश्वविद्यालय इतना गिर गया, इतना निजतम व्यवस्था पे आ गया, जब मुआवजा की बात आई तो हम लोगों ने 10 लाख मांगे तो 10। दोस्तों मैं इस समय जिसके गाड़ी में हूँ, जिसके साथ हूँ, वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि एक संघर्षशील हिम्मत वाला छात्र नेता है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। थोड़ा सा आपको बता दूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ तथाकथित आचार्यों ने इनके ऊपर केस लगाकर इनको जेल में बंद करवा दिया और ये लगभग आज 130 दिन जेल में रहकर आए हैं। और हम इनसे बात करेंगे कि क्या विवाद था, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं जितेंद्र कुमार दंडा, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपके बारे में सुना गया है, आपकी वीडियो वायरल हुई थी कि आप जो है जेल में बंद हैं, क्या ऐसा प्रॉब्लम था? देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस समय बहुत ही खराब स्थिति से गुजर रहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय गुजर रहा यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं गुजर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 वर्षों हो गया छात्र संघ बहाली का मुद्दा लेके, साल भर से अधिक हो गया फीस वृद्धि की मुद्दा को लेके, ये तमाम मुद्दों को लेके छात्र छात्राओं की लड़ाई हम लोग अनवरत लड़ते आए हैं, जिससे विश्वविद्यालय बिल्कुल गंभीर तानाशाही रवैया अपनाते हुए सोचा कि कितना जल्द कौन सा बहाना मिले कि इन छात्र नेताओं ये लड़ने वाले लोगों को जेल भेजा जाए। उसी के पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हनहार छात्र लोग जेल भेजकर जो आपके साथ जो लोग छल किए, आप कहना चाहते हैं कि छल किए, हमको जेल में भेजा गया, वो जेल भेजकर आपको क्या साबित करना चाहते थे या किस चीज़ को रोकना चाहते थे? देखिए वो यही रोकना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जो नहीं हो पा रहा है वो भ्रष्टाचार हो, रोकना यह चाहते थे कि यह न बोल पाए, छात्र छात्राओं की आवाज़ न बन पाए, यह रोकना चाहते थे। रोकना यह चाहते थे कि विश्वविद्यालय का जो रूप विशेष रूप से छात्र छात्राओं के बीच में बेहतर होता जा रहा था वह न हो। रोग इसलिए रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गरीब तबके का लड़का जब पढ़ने आता है तो कोई उसकी समस्याएं होती थी तो समस्याएं सुना ना जाए। मतलब कैसी घटना छात्राओं के साथ घटित थी जिसको लेकर आपने मतलब आंदोलन किया था और आपको जेल में डाला गया? देखिए तमाम मुद्दा था उसके साथ, उस दिन का यह मुद्दा हुआ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र, वो भी पत्रकार लड़का था, मास कम्युनिकेशन से इलाहाबाद विश्वविद्यालय मास कम्युनिकेशन करता है जो पत्रकारिता कही जाती है, अचानक छात्र संघ भवन इलाहाबाद पर वो पानी पीता है, पानी पीते हुए पता ना क्या होता है वो तड़पने लगता है, उसके मुंह से गाज आने लगता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मौके पे एम्बुलेंस नहीं भेजती है क्योंकि यह दायित्व तो होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कि मौके पे किसी भी छात्र का कुछ भी होता है तो दवा और एम्बुलेंस मौके पे भेजा जाए, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने फोन किया प्रैक्टर को, वाइस चांसलर को, क्यों नहीं मतलब एम्बुलेंस मंगाया ऐसे छात्र, उसका वो तो कोई कारण रहा होगा, वही तो इतना सही व्यवस्था, वो मरता है लड़का मरने दीजिए, वहाँ उसका लड़का थोड़े नहीं है, संगीता श्रीवास्तव का लड़का नहीं है, प्रैक्टर का लड़का नहीं है, लेकिन इलाहाबाद के सभी लड़के जानते हैं कि हमारे अभिभावक नाम बताए कौन लोग हैं, ये राकेश सिंह जो है प्रैक्टर है कुलानुशासक, और यह जो है वाइस चांसलर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मीन होती है मुख्य होते हैं संगीता श्रीवास्तव हैं, इन लोग इतना सही है, कोई मरे पढ़ाई हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता है। तो जिसके विरोध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया कि हमारे साथी तो चला गया है लेकिन उसको न्याय मिले, उसको कुछ मुआवजा मिले, लेकिन विश्वविद्यालय इतना गिर गया, इतना निजतम व्यवस्था पे आ गया, जब मुआवजा की बात आई तो हम लोगों ने 10 लाख मांगे तो 10,000 देने के लिए तैयार था। कितनी निर्ममता है, 10,000 बताइए, कितनी गिर गया मानसिकता कि एक लड़का का कीमत आप 10,000 लगा रहे हैं, जो कि भारत सरकार कहती है कि युवाओं का कोई आप मूल्य नहीं लगा सकते क्योंकि युवा भविष्य का हो सकता है प्रधानमंत्री हो सकता है विश्व भारत का सबसे बेहतर पत्रकार हो सकता था, हो सकता है कि भारत तो देखते हैं कि अगर कोई छात्र हो या कोई मामूली दूसरा व्यक्ति हो तो मरता है तो 10 लाख 50 लाख
नौकरी इस तरह के मुआवजे दिए जाते हैं, लेकिन उसको 10,000 मुआवजा दिया जा रहा था। आप इसमें क्या मतलब देख रहे हैं, कोई मतलब विचारधारा का परिवर्तन देख रहे थे? विचारधारा का नहीं, विचारधारा बिल्कुल मन गई है, मतलब कास्टवाद या देखिए कास्टवाद वहाँ पे तो उन्हीं लोगों का था, जातिवाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जातिवाद भी है, क्षेत्रवाद भी, हर चीज है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल यह क्या तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है, यह बिल्कुल है कि जितना चोरी घोटाला करके अपने पास रख ले, मेन मुद्दा यह मेन मुद्दा है। आप पर कौन सा ऐसी केस लगाकर आपको जेल में डाला गया? हमारे ऊपर वही लगा, तोड़फोड़ लगा था, लूटपाट का लगा था। तो बताइए कि अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐसे हम लोग हो गए कि लूटपाट करेंगे, ऐसे मुकदमे डाल रहे हैं कि हम लोग लूटपाट करेंगे। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कितने साल से आप पढ़ाई कर रहे थे या नेता हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग 2018 से पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, 2018 से हैं, और तोड़फोड़ लूटपाट की घटनाएं आज आपको मतलब आज को आरोप लगाया जा रहा है? बिल्कुल, इसलिए आरोप लगाया गया कि आप जेल जाएंगे तो आवाज नहीं उठा पाएंगे। लेकिन हम क्लियर बता देना चाहते हैं कि जेल की दीवारों से, प्रशासन की लाठियों से और प्रशासन के मुकदमे से डरने वाले नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि जितेंद्र कुमार धनराज छात्रों की, युवाओं की एक ऐसे मजबूत नेता हैं, एक ऐसे हिम्मत वाले हैं, जो शायद जिस तरह हमने इनका नाम सुना था, जिसके इनके बारे में सुना था, देखा था, वो आज हमको देखने को मिला है। इसीलिए मैं बार बार कहता था ये छात्राओं के एक ऐसे हिम्मत मजबूत पिलर हैं जो शायद दूसरा नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप फीस बढ़ोतरी को लेकर मतलब क्या ऐसी रोकथाम करना चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बिल्कुल, विश्वविद्यालय में या भारतीय संविधान में, इस भारत में है कि सबसे पहला शिक्षा दिया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, शिक्षा समाज का रीढ़ होता है, शिक्षा इस भारत को कल्याण होने में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। लेकिन विश्वविद्यालय में यह तनाशाही सब ये रवैया अपना अच्छा तुम, मैं देख रहा हूँ कि ये जो छात्रवृत्ति की सिस्टम है और ये जो सेमेस्टर वाइज हो गया है, इसमें काफ़ी लोग परेशान भी। बिल्कुल वही कहा जाना कि ये शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। ये जो जो गरीब बच्चे थे, अगर वो कभी थोड़ा बहुत ऐसा होता है, जैसे बाबा साहब ने भी कई पढ़ा पढ़ा कर और पढ़ते थे स्कूलों में, तो अगर कोई मतलब जो गरीब बच्चा था वो काम करके या किसी तरह से मजदूरी करके फिर अपनी पूरी टाइम देकर पढ़ाई भी करता था, आज वो सेमेस्टर वाइज से भी नहीं हो पा रहा है। और हम देख रहे हैं सेमेस्टर वाइज के वजह से फीस भी बढ़ोतरी हो रही है, दो दो बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, फीस में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। देखिए क्लियर कर, हमने क्या कहा कि यह जो सरकार है ये छात्र विरोधी है और उससे बड़ा छात्रों का शिक्षा विरोधी है, क्योंकि पता है ना कि शिक्षा जब पढ़ेंगे तो रोजगार मांगेंगे, ये उत्तर प्रदेश में तो योगी के पास रोजगार देने के लिए है नहीं, इसीलिए शिक्षा को इतना महंगा कर दीजिए कि लड़के ना पढ़ पाए ना रोजगार पा पाए, सिर्फ अमीरों के लड़के ही, अडानी अंबानी के लड़के तमाम ज्योति तुमने यूनिवर्सिटियों में, लाडली यूनिवर्सिटी तमाम यूनिवर्सिटियों में पढ़े और गरीब लोग वही गाँव के। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बस अमीर के बच्चे पढ़ें, गरीब के बच्चे गरीब रहें, मजदूर बने, ये शायद सरकार का चाहती है। हमारे साथ जितेंद्र कुमार धनराज जी थे, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे। काफ़ी बेहतरीन बात हुई हमारे बीच। अगर आपकी इनकी बातों का कुछ निर्णय निकलता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और भी कुछ अगर आपका सवाल है कि नहीं हमें ये चीज़ इनसे बात करनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, सुझाव चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगली बार ज़रूर इनसे कोई ना कोई बात करके आपका जो क्वेश्चन होगा, जो सवाल होगा, मैं उसका निर्णय ज़रूर लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।